आप मुझे सवाल का जवाब दें। आप माशाल्लाह यहाँ पे काम करें, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आयरलैंड इंडिया से जीत पाई है? नहीं जीता। क्या पाकिस्तान इंडिया से जीत पाया? नहीं जीता। क्या उसके बाद यूएसए इंडिया से जीत पाया? नहीं जीता। कनाडा की खुशकिस्मती समझे बारिश में चाह गई इसको। क्या अफगानिस्तान छोटा भाई खिलाता जीत पाया? नहीं जीत पाया। भाईचारे के एक रिलेशन में भी नहीं जीत पाया। फिर बीस्ट ऑस्ट्रेलिया बीस्ट जीत भाई? नहीं जीत भाई। इंग्लैंड कहाँ की मूली है मेरे? इंग्लैंड किस खेत की मूली है भाई? बच्चे हैं इंडिया के सामने। किन किन के बदले पूरे करेंगे सर? बदले ऐसे वैसे आप देखें, ये स्टेज बचनी है इस दफा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फिर से एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, एक ऐसा रिवेंज जिसका इंतजार हर एक इंसान कर रहा था, क्योंकि पिछली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंग्लैंड बड़ी आसानी से इंडिया से। देखिए इंडिया पहले ही इंग्लैंड को बहुत धो चुका है। आप इंग्लैंड के पास एक ही किंग है, वो है जॉस बटलर। लेकिन आप इंडियन टीम की बात करें ना, इंडिया के पास सारे के सारे किंग हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मैं अगर हर रोज जो रात नहीं होती, हर रोज जो है वो 2022 का तरह मुकाबला जो है वो इंग्लैंड नहीं जीत सकता, जो उन्होंने जीता था जीरो आउट के ऊपर चेज कर लिया था। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड कौन मैच विन करता हुआ दिखाई दे रहा है सेमीफाइनल? इंडिया। इंडिया क्या वजह लगती है? इंडिया की टीम जिस तरह से परफॉर्म करती नज़र आ रही है, अनबीटेबल नज़र आ रही है, यही वजह लगती है? जो उसकी परफॉर्मेंस है ना इंडिया की टीम की और बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है। अब चाहे इंग्लैंड वालों को ना यकीन करें, इंग्लैंड को नानी और दादी याद आने आएगी जब वो ये सेमीफाइनल हारेंगे। भाई इंडिया को मैं कहता हूँ इस टाइम दुनिया का बादशाह तसव्वुर कर लेना चाहिए, चाहे वो इस टाइम इंडिया अनबीटेबल है, किसी से भी एक मैच भी नहीं हारी, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कोई सीरीज हो, चाहे टी20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो, तो भाई वो एक भी मैच नहीं हारे। इंडिया जब जहां तक मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा अनबीटेबल रह के, टी20 वर्ल्ड कप के जो है ये जीतेगा और हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अभी देखो इस टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे बदले लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से चुन चुन के बदले लिए हैं, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया इंडिया ने। लेकिन आप देखा इंग्लैंड से भी वो बदला लेने जा रहे हैं, इंग्लैंड की टीम को बाहर कर। वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार, कल जो है वो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल जो होने वाला है। और इस सेमीफाइनल से पहले इंग्लिश मीडिया और इंग्लैंड के जो साबिक खिलाड़ी है ना, वो आप ये कह सकते हैं बड़े जो आप फुदक रहे हैं भाई, और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही है इंडिया की टीम पे प्रेशर डालने की पूरी जान तोड़ कोशिश की जा रही है। कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और कैसे इंडिया को धमकी दी गई है सेमीफाइनल से पहले उस पर हमने बात करनी है। और बाकी इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे कि कल जो है वो इंडिया की टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, और इंग्लैंड की टीम में आपको इस मैच में क्या तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, और कंडीशंस कैसी होने वाली हैं, और क्या जो है वो टॉस जीत के किसी टीम को क्या फैसला करना चाहिए और क्या फैसला किया जाएगा, और भी बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स हैं उनके हवाले से भी इस वीडियो में हमने बात करनी है। आपसे इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मिल सकें। तो आप बस इतना सा काम करें कि लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? बाकी सारा काम हमने करना है। तो जनाब इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल, आपको मालूम है कि अब जो है वो इंग्लैंड की टीम बड़ी मुश्किल से छुरी के नीचे से निकलने के बाद जो है वो सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, और दूसरी साइड इंडिया की टीम अपने सारे मैचेस बड़ी शान के साथ, बड़े आराम के साथ जीत के सेमीफाइनल में गई है। और इंडिया के लिए बड़ी बातें हो रही थी, कुछ लोग ऐसी घटिया बातें कर रहे थे कि यार इंडिया सिर्फ छोटी टीम्स को मारता है, इंडिया छोटी टीम्स को मार के आगे जा रहा है। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचाया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे के उठा के वर्ल्ड कप से बाहर फेंक के इंडिया ने उन सारे लोगों का मुंह बंद किया जो कह रहे थे कि इंडिया सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ जो है जीतता है और बड़ी टीम्स के खिलाफ इंडिया हार जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया ने सबकी जो बोलती है ना वो बंद कर दिया है। अब और दूसरी जानिब इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हरा देता है तो फाइनल के अंदर पहुंच जाएगी इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान। कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान इस दफा फाइनल होगा टी20 वर्ल्ड कप में? सबसे पहले तो अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि पहले उनके कैंप्स जो थे वो पाकिस्तान में लगते थे, लेकिन जब से वो इंडिया शिफ्ट हुए हैं तो उनकी जो क्रिकेट है वो अपग्रेड हुई है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एज वी नो कि उनकी क्रिकेट हिस्ट्री को खास नहीं है, रिसेंटली को 10-15 सालों में उनकी टीम बनाई गई है, और उनमें पोटेंशियल था, सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी थी जो कि आईपीएल के जरिए उनकी पूरी हुई है। और प्लस जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेज है ना वो स्पिनर को सपोर्ट करती हैं, और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान में सबसे अफगानिस्तान से ज़्यादा किसी के पास जो है ना स्पिनिंग अटैक नहीं है, इसलिए जो ये जो हालात है ना वो उनके लिए सबसे ज़्यादा मौजू हैं। और अगर उनकी बैटिंग
देखी जाए तो आप उनमें सिमिलैरिटी देखेंगे कि वेस्ट इंडीज प्लेयर्स की तरह खेलते हैं, तो ये जो पिचेज हैं वो बैटिंग में भी उनको सपोर्ट कर रही है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि उनका बैटिंग स्टाइल वेस्ट इंडीज की तरह। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब से अफगानिस्तान के कैंप इंडिया के अंदर मुंतकिल हुए हैं और इंडिया के जो कोच हैं जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं अजय जडेजा सर जो हैं, उन्होंने ये बोला है कि मैंने इतने शानदार लोग नहीं देखे जिस तरह से वो चीज़ को पिक करते हैं और इतने कम टाइम में जिस तरह से अफगान क्रिकेट दुनिया के सामने आई है, मेरा नहीं ख्याल किसी भी मुल्क की क्रिकेट ने इतने कम टाइम में इंटरनेशनल इतने बड़े रिकॉर्ड बनाए हो। तो इंडिया की जानिब से मिलेगी ट्रेनिंग और फ्री ट्रेनिंग में आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा इंडिया का हाथ है अफगानिस्तान को इतनी बड़ी टीम बनाने में? नहीं, कंट्रोवर्सीज अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट की जब बात करते हैं तो जितना भी पार्टिसिपेट किया जाए वो अच्छा है, इंडिया ने किया तो वो भी अप्रिशिएबल है। पाकिस्तान में जब कैंप्स लेते थे तो आपने देखा होगा क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, तो आपने देखा होगा कि पिछले चार पाँच साल पहले बैटिंग यूनिट इनका अच्छा नहीं था, बॉलिंग यूनिट अच्छा था और सल्यूट गोज़ टू पाकिस्तान। जो बैटिंग की उनकी कमी थी वो अजय सर सही कह रहे हैं, जडेजा सर, कि उनकी जो बैटिंग ट्रेनिंग है वो इंडिया में हुई है और इंडिया माना जाता है बैटिंग के लिहाज से, तो जो उनका बैटिंग में न्यू वर्जन आया है उसकी वजह से उनकी टीम में जो एक कॉम्पैक्ट बनी है उस वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें स्किल पावर है। खुद से पूछते हैं, मुझे याद है 1.5 साल पहले जब इंडिया और इंग्लैंड का ही सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया में, जब वर्ल्ड T20 चल रहा था, हमें लगा ओहो इंग्लैंड के साथ मैच पड़ गया। आज पता नहीं क्यों दिल से आवाज आती है, अच्छा इंग्लैंड के साथ है सेमीफाइनल, लाओ लाओ इंग्लैंड को लाओ। आपको भी ऐसा लगता है? लगता है क्योंकि एक चीज अलग है, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा इंडिया या इंग्लैंड, कांटे की टक्कर हो सकती है, इंग्लैंड भी जीत सकती है इंडिया भी जीत सकती है, पर एक चीज मैं पूरी पक्के तौर पे कह सकता हूँ वो ये कि जो इंडियन टीम एडिलेड में इंग्लैंड को मिली थी ना, वो इंडियन टीम आपको गयाना में नहीं मिलेगी क्योंकि ये इंडियन टीम ने अपना अंदाज बदल दिया, नतीजा कुछ भी हो अंदाज बदल दिया है और वो अब सिर्फ कहने की बात नहीं रहेगी है, वो मैदान पर नजर भी आ रहा है, आक्रामक खेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो आपको देखने को मिलेगी, किसी दिन रोहित शर्मा रन बनाएंगे, हो सकता है किसी दिन विराट का दिन हो, किसी दिन हार्दिक का होता है, किसी दिन स्काई का, इस अंदाज में वो टीम खेलेगी, परसेंटेज क्रिकेट फेयर ऑफ फेलियर वाला आपको इंडियन टीम नहीं मिलेगी। तो आज पहले तो नजर डालते हैं इस जीत पर, उसके बाद जीत से क्या हम आगे के लिए बुन सकते हैं। हिंदुस्तान के दिल में 19 नवंबर 2023 से चुभ एक कांटा कल रात निकल गया, जिस मैच को ऑस्ट्रेलिया हर हाल में जीतने का ख्वाब देख रहा था उसमें हिंद की इस फौज ने उसे 24 रनों से हरा दिया। अजय रहते हुए सेमीफाइनल में भारत, अब इंग्लैंड के खिलाफ 27 जून को दिखानी है महारत। अफगानिस्तान इम्प्रूव हो रही है, राशिद खान की कैप्टनसी की अगर बात करें 10 लाख अफगानी आज राशिद खान के नारे लगा रहे हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है राशिद खान और अफगान टीम को और कहा यह जा रहा है कि फाइनल में अफगान और इंडिया ही सामने होंगे क्योंकि इंडिया अनबीटेबल है, वो इंग्लैंड को चांसेस है हराएगा और इस तरफ से अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका भी अनबीटेबल है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि पिच जो है इस दफ़ा अफगान के फेवर में जा रही है, तो क्या लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान अगर सामने होते हैं तो कप कौन लेके जाएगा? मेरे ख्याल से तो कप इंडिया का लेके जाएगा अगर इंडिया और अफगानिस्तान आमने सामने होते हैं, क्योंकि अगर आप पुराने मैचेस देखें तो जब भी अफगान इंडिया के सामने आया तो अफगान बहुत बुरी तरह कोलैप्स हुआ, तो मेरे ख्याल से इंडिया की बहुत बड़ी टीम बन चुकी है ना, इंडिया की टीम हाँ आप कह सकते हैं क्योंकि वो अनबीटेबल है, इस टूर्नामेंट में भी पिछले टूर्नामेंट में भी अनबीटेबल थी, तो हाँ इंडिया का कप नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप ये देखें कि अफगान अगर साउथ अफ्रीका को फेस करते हैं तो मेरा ख्याल से साउथ अफ्रीका नहीं जाने देगा। साउथ अफ्रीका भी बहुत बड़ी बला है बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड में बहुत। सर ये जो वर्ल्ड कप है इसमें बहुत बड़े ट्विस्ट हमने देखे हैं, पाकिस्तान सुपर एट में ना जा सका, ऑस्ट्रेलिया जैसी घमंडी टीम सेमीफाइनल पे ना पहुंच सकी, अफगानिस्तान हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंचा, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हमेशा थ्रेट रहता है, ऑस्ट्रेलिया टाइम से ही घर पहुंच गया, ये क्या हो रहा है इस दफा वर्ल्ड कप में? देखिए टूर्नामेंट का एक ड्यूटी यही होती है कि अपसेट्स हों, मजा आए गेम का, पाकिस्तान का तो पूरी कौम को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान कितना पानी में है और ये प्रैक्टिस नहीं करते, पाकिस्तानी खाते पीते रहते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, ये कोक की मशहूरियाँ देते हैं, कभी टोपियाँ पहन के मशहूरियाँ देते हैं, क्या क्या चीज़? एक्चुअली ये मुल्क के लिए नहीं खेलते, मुल्क के लिए नहीं खेलते, एग्री हाँ, ये अपनी तो, अपनी ये अपनी अपना खेलते हैं, ये अगर मुल्क के लिए खेलें तो मेरा नहीं ख्याल से कि इस तरह के ब्लंडर्स मारें, जो लोग मुल्क के लिए खेलते हैं वो जान मारते नज़र आते हैं आपको, अफगान को देख लें, आप साउथ अफ्रीका को देख लें, जो भी टीम जो मुल्क आप यूएसए को देख लें,
पहली दफा वो खेलने के लिए आई है, कैसा अच्छा खेली है। लोग जो मुल्क के लिए खेलते हैं वो जान मारते हुए नजर आते हैं ये लोग। बात तो ये की जा रही है कि 2-3 सालों तक अगर क्रिकेट का यही हाल रहा तो ये तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अगर तो इस तरह खेलते रहे तो लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ देनी है। दो मैचेस देखने के बाद अब वो मरहला आ चुका है जहां इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट की स्टेज तक पहुंचाया, फिर अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला करके एक हाई इंटेंस ड्रामा में ऑस्ट्रेलिया का सफर इख्तिताम पजीर किया और उनकी घर वापसी की टिकट कटवा दी। क्या पैशनेट क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया, क्या पैशनेट क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने और क्या पैशनेट क्रिकेट खेली इंडिया ने, मजा आ गया। लेकिन अब सारी निगाहें ग्याना की तरफ और टीएनटी की तरफ, जहां टीएनटी में मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का और दूसरी तरफ मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। और साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान में तो बारिश की इतनी ज्यादा पेशनगोइयां है नहीं, लेकिन इंडिया अफगानिस्तान की पेशनगोई अब तो हर कोई वेदर की बात करे। हम तो आपसे 6 दिन पहले ही वीडियो करके आपको बता चुके थे कि इंडिया को अपने ग्रुप में टॉप करना जरूरी है क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने $3 बिलियन दिए हैं और ये ब्रॉडकास्टर इंडिया का ब्रॉडकास्टर है और 12-12 फुल मेंबर नेशंस खेलती हैं। तो 12-12 फुल मेंबर नेशन में से जो इंडिया एक फुल मेंबर नेशन है उसका जो ब्रॉडकास्टर है उसने $3 बिलियन दिए हैं और जो बाकी 12 में से 11 फुल मेंबर नेशंस है उनके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने $200 मिलियन दिए हैं। तो जो $3 बिलियन देने वाला ब्रॉडकास्टर है जो वो जाएगा वही होगा और उसी तरह हो रहा है कि इंडिया याना के अंदर सेकंड सेमीफाइनल खेलेगा। प्री सीडिंग थी आपको ओडीआई 2023 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें भी याद होगा कि पाकिस्तान को भी प्री सीडिंग दी गई थी कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो वो मुंबई में नहीं, वो जाके डायरेक्ट अपना कोलकाता में वो सेमीफाइनल खेलेगा। तो ये प्री सीडिंग का सिलसिला तो कोई नया है नहीं, लेकिन अब क्योंकि सबकी और सबका जो गूगल सर्च है वो सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ग्याना में क्या होने जा रहा है 27 जून जुमेरात का दिन सुबह 10 बजे से सबकी नजरें हैं कि कितने परसेंट बारिश है, कितने परसेंट प्रसेप्शन है। लेकिन रिजर्व डे नहीं है लेकिन कुछ रूल्स में ट्वीकिंग जरूर हुई है, वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग को एक फुल फ्लेज एक सिनेरियो पता चल सके और आप लोग वेदर के साथ साथ इस चीज पे भी अवेयर हो सके कि व्हाट इज कमिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये तो मेरे ख्याल से जो ब्रॉडकास्टर की चाह है ये तो आप लोगों को सबने बता ही दी कि क्या चाहता है ब्रॉडकास्टर इंडिया को, क्योंकि प्राइम टाइम में क्रिकेट खिलवानी है तो इसी वजह से इंडिया की सीडिंग रखी गई थी इस पोजीशन पे कि इंडिया जाएगा और सेकंड सेमीफाइनल खेलेगा, उसका कोई रिजर्व डे नहीं होगा क्योंकि एक दिन के गैप के बाद ही 29 तारीख को सुबह 10:30 बजे लोकल टाइम लोकल बारबाडोस टाइम या फाइनल खेला जाएगा। सो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में टेक्निकली 90 मिनट दिए जाते हैं एक नॉर्मल टी20 गेम में, वो जो कि स्टॉपेज टाइम होता है कि 90 मिनट का ब्रेक आप अफोर्ड कर सकते हैं। 90 मिनट के ब्रेक के बाद हर 4 मिनट बाद एक ओवर इधर से और अगले 4 मिनट बाद एक ओवर यहां से कटता है, तो यानी हर 8 मिनट में एक ओवर इधर से कम हो जाता है और एक ओवर इधर से कम हो जाता है, तो 1919 ओवर का मैच हो जाता है। ये साइंस तो सबको पता है। फिर इस टी20 वर्ल्ड कप में 90 मिनट से बढ़ा के 120 मिनट की एलोकेशन दी गई थी कि 120 मिनट का जब स्टॉपेज टाइम हो जाएगा यानी 1.5 घंटे का, तो हर 8 मिनट बाद एक ओवर यहां से कटेगा और दूसरा ओवर दूसरी टीम से कटेगा। लेकिन सेमीफाइनल जो ग्याना में, क्योंकि इसका रिजर्व डे कोई नहीं है और ये गेम बहुत हाई इंटेंसिटी गेम है, ये बहुत बड़ा नॉकआउट गेम है, तो इस गेम के लिए 250 मिनट की एलोकेशन दी गई है। सो 250 मिनट बनते हैं दो इंडिया ही जाएगा, इंडिया ने तो बड़ा मतलब कि जिस तरह वो लेके चढ़े हैं बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, कल कमाल का कैच लिया अक्षर पटेल ने, मैच विनिंग कैच था जो आप देखा होगा, इसके अलावा कुलदीप की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, इंडिया जीतेगा यार सेमीफाइनल। क्या लगता है इंडियन का, इंडियन बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है इस वर्ल्ड कप में, तो क्या लगता है कौन सा प्लेयर जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो डेंजरस साबित हो सकता है? भाई रोहित शर्मा, रोहित शर्मा की जिस तरह फॉर्म वापस आ गई है यार, उन्होंने जैसा स्ट्राक को छक्के मारे हैं 8 छक्के 92 पे देखे ना उसकी ये तेज स्ट्रैटेजी, वो 92 पे भी हिट करने की कोशिश कर रहा है उसने, बॉल डिफेंस नहीं किया बहुत भाई, वही तो मजा मैं मैच देखा यहाँ चौका छक्का वो मैं ऐसे मैच देखने का मजा आता है यार, जिस तरह वो मतलब कि लेके चढ़े हैं रोहित शर्मा है, सूर्या कुमार है, हार्दिक पांड्या है, मतलब कि सारों ने अच्छी हर बंदे को पता मेरा रोल क्या है, हर बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये भाई सेमीफाइनल का मैं तो इंडिया को भाई चैंपियन कह रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए तो मौत साबित हुआ है रोहित शर्मा, और भाई ऑस्ट्रेलिया वालों की तो मां मर गई वहाँ पे, रोहित शर्मा ने जिस तरह उनको पेला है, रोहित शर्मा ने पुल शॉट नहीं छोड़ी वो कवर पे देख रहे हैं, हर जगह ने छिक्के चौके मारे हैं, किसी बॉलर को नहीं बख्शा, जैम्पा है उस पर अटैक किया, ऑस्ट्रेलिया वाले तो वो आउट ऑफ सिलेबस है रोहित शर्मा, देखो उन्होंने उन्होंने कहा यार रोहित शर्मा स्ट्रगल करेगा, लेफ्ट आर्म सीमर है, उन्होंने लगाया स्टार्क को, उन्होंने स्टार्क को 24 मारा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर ही रही है यार, उसके बाद बॉलिंग इतनी अच्छी कर दी, देखें
वही डिफरेंस था जो रोहित शर्मा की इनिंग थी जिससे ऑस्ट्रेलिया हार गया है। ऑस्ट्रेलिया के ख्वाब में भी था भाई हमें वर्ल्ड कप में बाहर हो जाएंगे, जो चैंपियन टीमें रही हैं, तो इंडिया ने भाई अपना बदला ले लिया। मैं ये 2022 का जो रिवेंज था इंडिया और इंग्लैंड का, क्या लगता है कि इंडिया उसका बदला लेगा? भाई ले लेगा, इंग्लैंड नो डाउट एक अच्छी टीम है जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की टीम अनबीटेबल रहेगी, इंडिया ही जीतेगा। इंडिया ने यार जिस तरह सारे मैच खेले ग्रुप में, अभी तक अनबीटन दो ही टीम है, या इंडिया या साउथ अफ्रीका, ठीक है। इंडिया के पास प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया की जो उस टाइम ऑलराउंडर हार्दिक पांडे हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, नीचे से मतलब कि ऋषभ पंत हर प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है मैच में। यार बॉलिंग में आपके सामने है बुमराह का टॉप क्लास बॉलर है, सबसे आला इकोनॉमी उसकी 3.92, जिस तरह यार T20 में उसे मारनी पड़ती, मैं देख रहा हूँ अभी तक सिर्फ 10 चौके पड़े हैं, 8 मैच हो चले हैं, 7वां पहले मैच हो गए हैं, वो इस तरह कमाल बॉलिंग करता है। हर्षदीप सिंह वो भी विकेट ले रहा है ऊपर से, इसके अलावा आपके सामने कुलदीप यादव, अक्षर पटेल है स्पिनर, उनके नहीं मान यार वो इंडिया ने ऐसे नहीं थी टीम तैयार की वर्ल्ड कप के लिए, आपके सामने है कोई भी उसे नहीं हरा पा रहा यार। आपको क्या कौन सा कोई एक अगर दो कैप्टन की बात करें रोहित शर्मा और जोस बटलर की, तो क्या लगता है कि कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है और अपनी टीम को मैनेज कर सकता है सेमीफाइनल में? भाई रोहित शर्मा ही रहेगा, रोहित शर्मा ने जिस तरह क्रिकेट खेली ना साल डेढ़ साल में, देखे ना ODI वर्ल्ड कप, चलो T20 की समझ आती है, ODI आपको पता है 100 ओवर का मैच होता है, उसमें बड़ी स्टैटिक वो बताती यार कि कैप्टन किस नेचर का, उसने वहाँ पर भी स्टेक नहीं तोड़ी यार, 10 मैच जीती है वहाँ पर। तो रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान है और अच्छी इनिंग खेलते हैं, यार जब भी रोहित शर्मा चलता है ना मैच एक साइड होता है, आपके सामने रोहित शर्मा चला है 200+ का टारगेट हो गया, किसी को समझ नहीं ऑस्ट्रेलिया, उनको पता भाई कैसे चेस करना, नहीं हुआ रोहित चलता है तो भाई फिर मैच वन कौन जीता है, फाइनल इंडिया वर्सेस अफ्रीका, हर जगह इंडिया भाई इंडिया हर जगह। इंडियन टीम के अंदर एक खासियत है कि उनके मैच के अंदर भी अगर कोई बॉलर उनके बैट्समैन को आउट करता है ना, तो उनका बॉलर उसी बॉलर को आउट करके उसका फौरन बदला ले लेता है। इंडिया के अंदर ये चीज है कि हमने बदला लेना होता है, जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया को उठा के मैदान से बाहर फेंका की विकेट की, मुझे लगता है इंग्लैंड की भी बारी आने लगी है। पर नो डाउट इधर बात कीजिए, इंग्लैंड पिछले वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा गंदा फ्लॉप हुआ था, उन्होंने इस टाइप कम्पीट करके अपने आप को सेमीफाइनल के अंदर तक ले आए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन। हाँ जी, उनकी भी ये कोशिश होगी कि भाई जान हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, और वो मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो 40% चांस है उसके जीतने के, क्योंकि इंडिया का यार मोराल बड़ा अप है इस टाइम, इंडिया के साथ हम किसी टीम को कंपेयर कर नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने बंदर बना के हराया, तो इंग्लैंड क्या चीज है, मुझे लगता है कि ये तो बड़ी स्टेटमेंट भी नहीं देते, कोई माइंडसेट भी नहीं है इनका ज्यादा। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंग्लैंड और इंडिया जो है हमें अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है। क्या समझ रहे हैं, इंडिया की बॉलिंग डोमिनेट होगी या इंग्लैंड की बैटिंग डोमिनेट होगी, क्या समझ रहे हैं मुकाबला किस चीज का होगा? देखिए पहली दफा हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि इंडिया बॉलिंग के सर के ऊपर वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रहा है, कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी चली हो। मैं इधर कंग्रेचुलेशन कहूंगा टीम इंडिया मैनेजमेंट को कि यार उन्होंने अपने बॉलर्स को कितने अच्छे तरीके से गाइड किया, एक बॉलर हर्षदीप सिंह नहीं चलता तो बुमराह चल जाता किसी मैच में, जिसमें बुमराह नहीं चलता उसमें हर्षदीप चल जाता है, हार्दिक पांड्या कुलदीप यादव तो साथ साथ लगे ही हुए हैं उसको सपोर्ट करना। और मैं इधर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, विराट कोहली की सेंचुरी होनी है इस सेमीफाइनल के अंदर, क्योंकि विराट कोहली ने बाकी मैचों के अंदर परफॉर्म नहीं किया, 37 हाई स्कोर बिल्कुल अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को सेमीफाइनल के लिए बचा के रखा हुआ। और आप देखें रोहित शर्मा का 35-35 स्कोर होगा और विराट कोहली अपनी सेंचुरी लाजमी कंप्लीट कर, अनबीटेबल साइड इंडिया को अनबीटेबल ही कप उठाता देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि फाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाके अनबीटेबल ट्रॉफी लेके दिल्ली में। जब पहला मैच हुआ था ना इंडिया का, तब भी सामने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया अनबीटेबल जाएगा और अनबीटेबल जाके वर्ल्ड कप अपने घर लेके जाएगा, और इंडिया ने लेके भी जाना यार, उनका हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी बॉलिंग को बैटिंग को बहुत तगड़ा किया, हमने देखा कि पूरी दुनिया क्रिकेट जो है इंडिया की तरीफें कर। नो डाउट सर, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को मारा है, जिस तरीके से रोहित ने 92 रन की इनिंग खेली है, जिस तरीके से हिटमैन का शो देखने में मिला, भाई क्या लग रहा है कि एक दफा दोबारा ऐसा ही मैच होने जा रहा, हाई स्कोरिंग मैच 200+ मैच? देखिए सेमीफाइनल का मैच जो होता है ना, इंडिया की ये कोशिश होती है कि मैं अगली टीम को अगर पहले बॉलिंग करूँ ना तो मैं 110 के ऊपर आउट कर दूं। अच्छा, हाँ। तो अगर तो इंडिया पहले बॉलिंग करता है तो फिर तो 110 के ऊपर बुक हो जाएगी इंग्लैंड, कर लेंगे देखें कर लेंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी जा रही है, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो उन्होंने वही 210-220 का टारगेट दे। इसमें जैसे 10 विकेटों से इंग्लैंड जीता था, इस बार जो है वो हम जो है वो एलेक्स हेल्स को मिस करने वाले हैं, लेकिन जॉस बटलर एक बार फिर से इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेगा, और पीटरसन ने सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेयर इंडिया के लिए जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद को करार दिया है। ये तीनों जो है वो खिलाड़ी जो हैं ये इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नासिर हुसैन की बात की जाए तो नासिर हुसैन ने थोड़ा सा इनसे अलग बात किया है। नासिर हुसैन ने सबसे पहले रोहित शर्मा की बहुत ज्यादा तारीफें की, उन्होंने बोला कि इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा जो बेहतरीन T20 का प्लेयर अगर मुझे नजर आ रहा है बैटर, वो मुझे रोहित शर्मा नजर आ रहा है। रोहित शर्मा दुनिया का एक सबसे खतरनाक तरीन जो है वो
T20 का ओपनर है, ये जावर नासिर हुसैन ने बोला है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला है कि अगर इंडिया को, अगर इंग्लैंड को इंडिया हराता है तो उसमें रोहित शर्मा का बहुत ही जो है बड़ा किरदार होने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह से खेलते हैं ना, वो बिल्कुल दूसरी टीम को तबाह करने वाली जो इंटेंट होती है वो रोहित शर्मा की होती है। कोई बॉलर उनके बैट्समैन को आउट करता है ना, तो उनका बॉलर उसी बॉलर को आउट करके उसका फौरन बदला ले लेता है। इंडिया के अंदर ये चीज है कि हमने बदला लेना होता है, जिस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया को उठा के मैदान से बाहर फेंका कि क्रिकेट की, मुझे लगता है इंग्लैंड की भी बारी आने लगी है। पर नो डाउट इधर बात की जाए, इंग्लैंड पिछले वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा गंदा फ्लॉप हुआ था और उन्होंने इस टाइप कम्पीट करके अपने आप को सेमीफाइनल के अंदर तक ले आए हैं। हाँ जी, उनकी भी एक कोशिश होगी कि भाई जान हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, और वो मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो 40% चांस है उसके जीतने के, क्योंकि इंडिया का यार मोराल बड़ा अप है इस टाइम। इंडिया के साथ हम किसी टीम को कंपेयर कर नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने बंदर बना के हराया, तो इंग्लैंड क्या चीज है। मुझे लगता है कि ये तो बड़ी स्टेटमेंट भी देते, कोई माइंडसेट भी नहीं है इनका ज्यादा। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंग्लैंड और इंडिया जो है हमें अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है। क्या समझ रहे हैं, इंडिया की बॉलिंग डोमिनेट होगी या इंग्लैंड की बैटिंग डोमिनेट होगी, क्या समझ रहे हैं मुकाबला किस चीज का होगा? देखिए, पहली दफा हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि इंडिया बॉलिंग के सर के ऊपर वर्ल्ड कप में डोमिनेट कर रहा है। कभी जिंदगी में नहीं हुआ कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी चली हो। मैं इधर कंग्रेचुलेशन कहूंगा टीम इंडिया मैनेजमेंट को कि यार उन्होंने अपने बॉलर्स को कितने अच्छे तरीके से गाइड किया। एक बॉलर अर्शदीप सिंह नहीं चलता तो बुमराह चल जाता किसी मैच में, जिसमें बुमराह नहीं चलता उसमें अर्शदीप चल जाता है। हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव तो साथ साथ लगे ही हुए हैं उसको सपोर्ट करना। और मैं इधर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, विराट कोहली की सेंचुरी होनी है इस सेमीफाइनल के अंदर, क्योंकि विराट कोहली ने बाकी मैचों के अंदर परफॉर्म नहीं किया। 37 हाई स्कोर, बिल्कुल अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को सेमीफाइनल के लिए बचा के रखा हुआ। और आप देखें रोहित शर्मा का 35-35 स्कोर होगा और विराट कोहली अपनी सेंचुरी लाजमी कम्प्लीट कर। अनबीटेबल साइड इंडिया को अनबीटेबली कप उठाता देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि फाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाके अनबीटेबल ट्रॉफी लेके दिल्ली में। जब पहला मैच हुआ था ना इंडिया का, तब भी सामने स्टेटमेंट दे दी कि इंडिया अनबीटेबल जाएगा और अनबीटेबल जाके वर्ल्ड कप अपने घर लेके जाएगा। और इंडिया ने लेके भी जाना यार, उनका हार्डवर्क बहुत ज्यादा है, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी बॉलिंग को बैटिंग को बहुत तगड़ा किया। हमने देखा कि पूरी दुनिया क्रिकेट जो है इंडिया की तरीफें कर। नो डाउट सर, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को मारा है, जिस तरीके से रोहित ने 92 रन स्कीनिंग के लिए, जिस तरीके से हिटमैन का शो देखने में मिला, भाई क्या लग रहा है कि एक दफा दोबारा ऐसा ही मैच होने जा रहा, हाई स्कोरिंग मैच, 200 प्लस मैच। देखिए सेमीफाइनल का मैच जो होता है ना, इंडिया की ये कोशिश है, ये जो है वो नासिर हुसैन ने बोला है, ठीक है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि मैं जो है वो, मेरा ताल्लुक इंग्लैंड से है, तो इसलिए मैं भी ये चाहता हूं कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इंडिया को हराए और एक बार फिर से फाइनल खेले और इंग्लैंड चैंपियन बने। आपको मालूम है कि इंग्लैंड जो है डिफेंडिंग चैंपियन है। तो नासिर हुसैन ने रोहित शर्मा की बड़ी तारीफें की हैं और इन बातों से ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा का जो खौफ है ना, वो इंग्लैंड में पाया जाता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि जॉस बटलर ने भी जो है रोहित शर्मा के हवाले से बात की है इस सेमीफाइनल से पहले, और बटलर ये कहते हैं कि इस बार थोड़ा सा मामला अलग गया। इंडिया की जो ये टीम है ना, इसने जो है वो अपना जो खेलने का स्टाइल है T20 वो बदला हुआ है। इस बार ये आते साथ अटैक करते हैं और खास करके स्पेशली रोहित शर्मा की उन्होंने बड़ी जो तारीफें की हैं। और बटलर ये कहते हैं कि रोहित शर्मा एक ऐसा ओपनर है कि जो पावर प्ले में आपसे मैच को दूर लेके जा सकता है। यानी कि रोहित शर्मा का कहीं ना कहीं जो लास्ट इनिंग्स खेली है ना उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का डर जो है बैठा हुआ है भाई साहब इंग्लैंड की टीम में। और ऊपर से वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा के हवाले से बड़े शॉकिंग वर्ड्स बोले हैं। वीरेंद्र सहवाग ये बोलते हैं कि अगर जो है वो पैसे दे के किसी की बैटिंग देखनी हो और आपके पास जो है वो एक ही ऑप्शन हो कि आप एक ही बल्लेबाज की बैटिंग देख सकते हैं, तो मैं जो है वो पूरी दुनिया में रोहित शर्मा की बैटिंग देखने के लिए जो है वो अपने पैसे जो है लगा सकता हूं। और उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा की बैटिंग पैसा वसूली वाली बैटिंग होती है। ये जो वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा की तारीफें करते हुए बोला है, तो अब इंग्लिश जो साबिक खिलाड़ी हैं और उनका जो मीडिया है वो अपनी टीम को तो बहुत उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड इंडिया की टीम को थोड़ा नीचे रखने की वो कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बटलर नहीं छोड़ेगा, जोफ्रा आर्चर नहीं छोड़ेगा, इनके मैच से पहले माइंड गेम्स प्रेशर डालने की वो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जब मैच हो ना इंडिया के खिलाड़ी पहले ही जो है प्रेशर में हो। और ये एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक प्लानिंग होती है कि मैच से पहले ही दूसरी टीम को हम जो है मैच, आधा मैच जो है उनको हरा दें, ठीक है। अब देखना ही है कि क्या होता है, क्या वाकई में ऐसा होता है। बहरहाल आगे अगर चले ना, अब इस मैच में बारिश के भी चांसेस हैं भाई साहब, और कोई जो है 70% बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं। तो अगर जो है मैच ना हो पाया तो आपको मालूम है कि इंडिया डायरेक्ट जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इंडियन फैंस ये चाह रहे हैं कि भाई हम जो है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि जो है वो बारिश ना हो और हम जो है वो इंग्लैंड को हराएं, 2022 का बदला इनसे लें और उसके बाद इनको भी ऑस्ट्रेलिया की तरह उठा के
बाहर फेंके और फिर जो आप फाइनल खेलें और फाइनल में हम चैंपियन बने, ठीक है। अब